लॉल शिट 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 ये नहीं होना चाहिए था शिट। अरे नहीं 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 नहीं। तो चलो गाइस आर यू रेडी? चलो फिर 3 2। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम दोबारा से जाने वाले हैं अपने अनी किंगडम के अंदर एंड वहां पे करने वाले हैं हम अपनी वूल फैक्ट्री को पूरा कंप्लीट, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने एक वूल फैक्ट्री बनाई है जो कि हमने अच्छे से अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे, और सबसे पहले उसका सॉर्टिंग सिस्टम हमें सेट करना है। तो चलो बिना वक्त शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। तो अभी हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर एंड मैंने भाई यहाँ पे एक देख सकते हो पेट भी पाल लिया, ये देख सकते हो इसका नाम हमने रखा हुआ है शेरू। चलो भाई शेरू को उठा दिया एंड सबसे पहले मुझे खाना लेने जाना है, तो मैं आपको अपना फार्म भी दिखाता हूँ एंड वहां से खाना भी लेके आते हैं। तो चलो लेट्स गो चलते हैं। एंड ये सामने देखो यहाँ से भी हम मतलब ले सकते हैं सामान, लेकिन ओए धूम धड़ाके क्या हो रहे हैं ये? ओए क्या ये क्या हो गया? ओए तू कब आया? मैं हाँ तू कब आया? मैं इतनी देर से यही तो था भाई। तू कर क्या रहा है ये? धर्म धड़ाके कर रहा है, क्या कर रहा है भाई ये? मैं तुम्हारे वर्ल्ड को ब्लास्ट कर, ओए मैं तुझे मार दूंगा मैं कह रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। ओए ये तेरा कुत्ता, ओए तूने 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 कुत्ता कब पाला बे? ये तुम्हारा भाई है, मतलब तुम्हारा कुत्ता। मेरा भाई, मेरा भाई है। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? अभी फिर से बोल। अच्छा हाँ 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 आजा आजा। कुत्ते को मारता है, कुत्ते को मारता है, अरे कुत्ते को बिठा अपने को यार, वो मुझे मार दिया यार। उनकी आपस में फाइट होगी, ओए फाइट करवा दी तूने उनकी? ओए ओए रोक, ओए भाई भाई, ओए तू तेरी वजह से मर गए वो यार। चलने मेरे कुत्ते को मारेगा भाई यार, फालतू में गया यार। अच्छा खासा तू फाइट करवा दिया उनका यार। के भाई पहले तूने मारा भाई, तुम हरकतें कौन किया, हरकतें कौन किया, नल्ली हरकतें कौन कर रहा है, कौन कर रहा है भाई ऐसे? और ये कर क्या रहा है वैसे, क्या हो रहा है ये? धूम धड़ाके के चल रहे हैं, पहले तो ये बता मुझे। गुड फार्म है ये। अच्छा हाँ ओके गाइस, तो फाइट को छोड़ते हैं साइड में, अभी चलते हैं सीधा काम के ऊपर। तो ये अपना गुड फार्म आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। देखो वो सबसे पहले उधर ऊपर जाएगा, और रुको मैं भी आपको ऊपर लेके चलता हूँ, रुको। तो गाइस ये यहाँ पे काम होगा शुरू इधर से, ये देखो इधर पे ये सामने लगाएगा अपना सैपलिंग, लगा भाई लीवर ऑन कर देते। अरे यार लीवर ऑन ही तो था। ये देखो कुछ इस तरह से पेड़ बड़ा होगा एंड ऊपर से टीएनटी गिरते रहेंगे एंड हमें बहुत सारा अनलिमिटेड वुड यहाँ से मिलता रहेगा, समझ रहे हो? चलो अभी चलते ये, और ये इधर आ जाएगा, ये देखो इधर वुड आ रहा है, ठीक है यहाँ से हम वुड ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मुझे खाना लेने जाना है, बिकॉज मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं आपको लगे हाथ ये दिखाता हूँ, ये अपना आयरन फार्म, जो कि हाँ मेरे को कुछ बंदे बोल रहे थे कि पिछली वीडियो में मैंने आयरन फार्म मुझे बना लेना चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि गाइस हमारा आयरन फार्म ऑलरेडी बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। अबे चलना भाई, ये देखो यहाँ पे हमारा आयरन फार्म है, यहाँ पे बहुत सारा आयरन हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी मैं आपको शुगर केन फार्म भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा शुगर केन फार्म, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शुगर अभी बन रहा है, ज़्यादा नहीं है। और ये है अपना फूड फार्म, ये देखो यहाँ पे अपना नीचे वाले एरिया में अपना कैरेट उगा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये देखो अपने विलेजर्स को फार्मर, सॉरी विलेजर कह रहा हूँ, ये देखो फार्मर अच्छे तरीके से अपने काम पे लगा हुआ है। ऊपर वाले एरिया में देख लो, ऊपर वाले एरिया में अपना पोटैटो है। तो सबसे पहले नीचे चल के कुछ खाना लेते हैं अपने लिए, चलो लेट्स गो। एंड यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ले रहा है, देखो देखो शर्म है ही नहीं इसको। एंड अभी यहाँ से लेते हैं पोटैटो, तो पोटैटो यहाँ से हमें लेना है। चलो भाई पोटैटो दे इधर, कोई मेरे पास खाना ऑलरेडी था, मैं चेक नहीं किया। ओ भाई मैंने इन्वेंटरी देखा ही नहीं यार, मेरे पास खाना ऑलरेडी है और वो भी बेक्ड पोटैटो है गाइस, बेक्ड पोटैटो। तो चलो गाइस अब यहाँ से सामने चलते हैं, हमें बहुत सारा वुड भी वहाँ पे चाहिए रहेगा। तो हमारे पास तो फार्म है वैसे अनलिमिटेड वाला, यहाँ पे हमें काम यहाँ से वुड लेना पड़ेगा बहुत सारा, तो यहाँ से वुड कलेक्ट करके अब चलते हैं सीधा अपने फार्म के ऊपर। चेस्ट बना लिया 25-30 को भाई, सबसे पहले तो मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ। चलो अपना आर्मर ले लिया, अब यहाँ से जितना वुड है वो भी लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड अभी वहाँ पे सबसे पहले हमें चेस्टें बनाने पड़ेगी 25-30, मतलब वहाँ पे बेसिकली हमारा जो है वो वूल कलेक्ट होने वाला है, वो भी अलग अलग कलर का भाई, मजे आने वाले हैं समझ लो। बना दी मैंने, इधर बना रहा है, इधर क्राफ्टिंग टेबल है क्या? तो यहाँ पे अब बनाते हैं अपने लिए चेस्ट। ओ चलो लेट्स गो, कितनी बनानी है? 15 बना लो भाई, 15 इतनी रखूंगा कहाँ पे मैं, पहले तो इन्वेंटरी खाली करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे हमने बना लिया 15 चेस्ट एंड अभी उसका सॉर्टिंग सिस्टम जो है वो सेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो जगह नीचे खोदनी पड़ेगी, वो सब बराबर करना पड़ेगा। तो चलो अभी यहाँ से काम शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हमें 5 ब्लॉक नीचे जाना है, तो ये 5 ब्लॉक हम नीचे आ चुके हैं, अभी चलते हैं आगे। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे टॉर्च लगाते हैं, और यहाँ पे हमें सारा अंडरग्राउंड जो बेसमेंट बनाने वाले हैं हम पहले, तो काम अपना शुरू करते हैं। बहुत सारा करना पड़ेगा भाई। तो गाइस सारा एरिया जो वो हमने क्लीन कर दिया है, एंड यहाँ पे बहुत सारा एरिया था जो हमें क्लीन करना था। ये देखो कितना सारा डर्ट हमने निकाल दिया यहाँ से, मतलब डर्ट जो है वो फुल हो चुकी थी अपनी इन्वेंट्री, एंड ये फालतू का डर्ट है जो कि डिस्पॉन हो जाएगा। एंड बेसिकली अब हमें यहाँ पे चाहिए बहुत सारे होपर, तो सबसे पहले हम होपर बना लेते हैं। अरे यार मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे कोई नहीं, अरे हट हट। तो गाइस यहाँ पे हमने होपर बना लिया 52, एंड अभी हमें बनानी है माइन कार्ट। तो उसके लिए हमारा आयरन जो है वो खत्म हो गया है, तो मुझे वापस से फार्म जाना पड़ रहा है, वहां से लेके आते हैं आयरन, एंड देन उसके बाद माइन कार्ट बनाएंगे। एंड यार गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, यहाँ पे मैंने पानी घेर दिया था जिसकी वजह से ये फार्म अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वो भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो वो सामान लेके आते हैं यहाँ से। थोड़ा 2 स्टैक आई थिंक आयरन काफ़ी रहेगा, क्योंकि बाद में भी काम में ही आ जाता है आयरन, तो 2 स्टैक लेके चलते हैं। धीरे धीरे अपना वर्ल्ड जो है भाई वो मतलब एकदम मस्त बनता जा रहा है। ये देखो सारा एरिया जो है वो भी हमने प्लेन किया था, सब सेट करने में बहुत ज़्यादा लिटरली टाइम चला जाता है। तो गाइज अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं माइन कार्ट, जो कि हमें बहुत सारी बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले माइन कार्ट इधर बनाते हैं, और जितनी हो सके उतनी बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। यहाँ पे गाइज हमने 12 माइन कार्ट जो है वो बना दिया है, एंड अभी रेल भी चाहिए रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर ही तो हम चलाने वाले हैं। तो रेल के लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा, यार दिमाग ही नहीं लगाया। तो यहाँ पे अपनी रेल भी लेके आ चुका हूँ मैं, एंड उसके साथ हमने बना लिया माइन कार्ट, जो कि ऑलमोस्ट 12 या 13 बन चुकी हैं। तो अभी चलते हैं नीचे। ये सबसे पहले यहाँ पे एक चेस्ट लगाते हैं यार, उसमें सारा सामान डाल देते हैं। ये सारा आइटम यहाँ पे डाल देंगे जो इधर के काम का है। ओके गाइज, तो जैसे इस तरह से करते हैं शुरू, हमारी चेस्टें लगने वाली हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, तो गाइस अभी सारे होपर और चेस्ट जो है वो हमने लगा दिए, एंड बारी है अभी ये जो साइड में कोबल स्टोन हमने लगाया था उसको हटाने की। तो जल्दी से इसको भी हटाते हैं, एंड उसके बाद सॉर्टिंग सिस्टम मतलब उसके जिसके अंदर हमारे मेन वूल जो आने वाली है वो भी सेट करेंगे। पहले ये हटा लेते हैं सारा। चलो जितना भी, ओए कामचोर अच्छे से काम कर, क्या कर रहा है? काम ही तो कर रहा हूँ। लग तो नहीं रहा मुझे काम कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है और झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही बचा है मेरे को। देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो काम चोर लड़का कर भी रहा था कुछ नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, तो मुझे पता है, चालू नहीं बनना इधर, समझा? पहले तो इधर टॉर्च लगाते हैं, जगमग रोशन सारा कर देंगे। यार अच्छा नहीं लग रहा वैसे ये, मतलब बिना लाइट के। पहले तो लाइट वाइट लगाओ यहाँ पे, थोड़ा लगना चाहिए। ले लो आयरन। हाँ ले ले यार, वो तेरे को जरूरत होगा ना, वैसे भी फार्म में खत्म होने वाला। ले 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 आयरन ले ले भाई, तो मतलब देख लो इसको, कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस अभी क्या करने वाले हैं, जो हमारा जितना भी वूल है ना वो इधर सामने आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपने लिए पहले एक ड्रॉपर लगाएंगे, एंड उधर से हम कनेक्ट कर देंगे सारे होपर्स को। तो यहाँ से होपर लगाना चालू करते हैं, एंड इधर तक, और सीधा लेके आएंगे ये सामने वाले होपर। किधर गया होपर? इधर तक, पीछे पीछे ले जाओ पीछे। हाँ एंड अभी इधर से लेके जाएंगे हम इधर से पीछे, ठीक है? मतलब बेसिकली हमें सारे सभी मतलब जितने भी होपर है उनको कनेक्ट करना है, जितनी भी चेस्टें दिख रही हैं उनके साथ में, क्योंकि होपर में आएगा वूल, होपर से जाएगा ऊपर, ऊपर से जाएगा ये ऊपर वाले माइन कार्ट में, और उधर से आएगा सीधा चेस्ट में, ठीक है? तो सबसे पहले हम सबको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले जल्दी से इनको कनेक्ट करते हैं। तो गाइस अभी हमारा मेन काम यहाँ पे शुरू होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कनेक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पे ओ जल्दी आ, क्या होगा तुझे? ओ जल्दी आ, मरने वाला हूँ। अरे रुक रुक आ रहा हूँ, रेड पड़ रही है बहुत गंदी, एमर वाले आ गए। रुक रुक आ रहा हूँ। अरे यार मैं इधर अच्छा खासा कनेक्शन कर रहा था भाई, तू क्या भाई इधर किधर रेड हुआ, किधर रेड हुआ? इधर आधे रेड वाले तो इधर ही फंस गए, इधर आयरन फार्म के पास। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे भाग ले जल्दी जल्दी, डायमंड का आर्मर पहनना पड़ेगा। पहन ले मैं। अरे उधर मैं कनेक्शन करने वाला था लेकिन यहाँ पे रेड हो गया, तो उसको बचा लेते हैं पहले। चल चला जा, हैमर से बच के रहना, हैमर वाले वो गिर गया, वो लावा में। ए अब तो गए सारे गए। ओ भाई ये इनके से लॉल हो गया भाई। उरु अरे भयंकर लॉल।
मेरे ऊपर राग फेंक रहा है, लेकिन गंदा मारा इनके साथ गजब सीन हो गया। ये सारे गिर गए अपने इधर आयरन फार्म के अंदर और वहां पे मर गए भाई नल्ले। अभी तू यहाँ से वो ग्लास लेके आ, मैं तब तक उधर कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अरे एक और रेड हो गई, रेड हो गई, रेड हो गई। अभी एक और रेड हो रहा है, बहुत तगड़ी। अरे राइनो आया, राइनो आया। हैमर वाले से बच के रहना, ऊपर उसके वो है टावर जो भी है वो फ्लैग। हाँ फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग वाले से। अबे हटो हटो हटो, ये ले लिया। मेरे पीछे आ रहे, मेरे पीछे आ रहे सारे। राइनो मार देगा, इधर लेके आओ। नहीं नहीं, शिट 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 शिट। अरे पकड़, बचा, कुछ तो बचा ना। तू क्या कर रहा है, मैं मरने वाला हूँ। इधर आओ आयरन फार्म पे, आयरन फार्म पे आओ, आयरन फार्म पे। इधर इनको गिराओ। अरे मुझे खाने भी नहीं दे रहे हैं वो। अबे लॉल भाई, अबे यार बचा मुझे, मैं तेरे चक्कर में क्यों आ गया इधर। मैं मरने वाला, मैं गया भाई। मेरे पीछे आ रहा है, मैं गया। राइनो पीछे पड़ गया, हैमर वाला मेरे पीछे है बिल्कुल जस्ट। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ मूव फार्म के ऊपर, चल जाऊंगा मैं। जल्दी 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 जल्दी, भाई वो जस्ट मेरे पीछे आ रहे। अरे नहीं भाई, सीधा मेरे पीछे आ रहा है हैमर वाला। लॉल शिट 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 शिट, ये नहीं होना चाहिए था शिट। अरे नहीं 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 भाई, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं। ओ भाई, अभी देखो राइनो भी कैसे पीछे पड़ा है। ओए ओए, तू नल्ले, तू कैसे ऊपर आया? अब आ जाओ, आ जा, कोई और है क्या आने वाला? आ जा, ये मेरा पीछा करता करता हुआ लिफ्ट से ऊपर आ गया भाई, बताओ इसको। ओ भाई मैं बच गया, मैं मरने वाला था। मैं एक हर्ट पे आ गया था आई थिंक। मैं भाई, मैं फालतू तेरे पीछे नहीं आना चाहिए था भाई, इसके पीछे नहीं जा रहा भाई। ये तो मरवाने का काम करता है। एक बंदा बचा है, किधर है? इधर है मेरे पास, ये भाई, ये हैमर वाला ही है मेरे पास, ये इधर है भाई। जो हैमर वाला बंदा था उसने मेरे को जो फटका मारा, तीन हल सीधा डाउन गया। मैंने कहा था बहुत गंदा मारता है, बहुत गंदा फैलता है। चलो यार छोड़ो, अभी हम जाते हैं वहाँ पे कनेक्शन सेट करते हैं। तू वहाँ से वो लेके आ जा, मिरर लेके आ जा, ठीक है? मिरर नहीं, सॉरी ग्लास, ग्लास लेके आ। ग्लास आ गया है क्या? ये आ गया, हाँ ग्लास लेके आ गया। ओके ठीक है, अभी चलते हैं। कनेक्शन करो जल्दी। अरे मैं कर ही रहा था, वही कर रहा था, लेकिन वो क्या करे, तू उधर बुला लिया मेरे को। गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब यहाँ कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे रेड स्टोन कंपैरेटर लगेगा, ठीक है? सबसे पहले उसके बगल में हम लगाएंगे स्टिकी पिस्टन। तो ये हमारा लग गया स्टिकी पिस्टन, और इसके बगल में हमें लगाना है ऑब्जर्वर। तो वो अच्छे से ऐसे नहीं लगेंगे, पहले हमें ऐसे कुछ ब्लॉक लगाना पड़ेगा। और इधर लगा के हमारा एक ऑब्जर्वर, और इधर लगेगा, ओ सॉरी सॉरी गलत लगा दिया ये भाई, वो इधर नहीं लगाना है तेरे को, इधर ब्लॉक लगाना है एक और, ठीक। इधर एक और ब्लॉक लगेगा, इधर ही सामने वाला तोड़ेंगे, और इधर लगाएंगे एक और दूसरा ऑब्जर्वर। ओके एंड अभी जो ब्लॉक है उनको हटा देंगे, ये हटा दिया। तो अब बारी है इनको ड्रॉपर के साथ कनेक्ट करने की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेड स्टोन डस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा बन चुका है कनेक्शन, तो अब कनेक्शन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अपना जाएंगे चेस्ट में, ये इधर चेस्ट में कुछ सामान डालते हैं, और ये इधर, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कोल, ठीक है? अभी वहाँ पे देखेंगे क्या ये अच्छे से वर्क किया नहीं किया, नहीं कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। और यस बूम गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्शन मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। मतलब ऊपर से देखो, जो वूल आएगी ऊपर से वो आएगी चेस्ट के अंदर, और सारी चेस्टों से मतलब ये जो जितने होपर है ना, इन सबसे होके इधर से वो निकलेगा ऊपर। अभी हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम सेट करना पड़ेगा ताकि सीधा डायरेक्ट हमें ऊपर मिल जाए और एक ही चेस्ट में सारा आ जाए। तो उसके लिए देखते हैं, ग्लास वगैरह साइड में लगाएंगे एंड प्रॉपर तरीके से उसको सेट करेंगे। तो चलो ठीक है, ओए ग्लास लेके आया? यस। चल फिर इधर बगल में लगाना चालू कर उसको, इधर से सोल सैंड ला सकते हो चेस्ट में से। भाई मेरे को बार बार भेज रहा है भाई, गलत बात है, मेरे को एक बार चीजें याद नहीं आती क्या? इतना चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ पे हमें ले लिया है सोल सैंड एंड अभी लेते हैं कैल्प। कैल्प चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्प हुआ, 55 कैल्प हो गए, काफी। अभी चलते हैं वापस से फुल फैक्ट्री के अंदर। वैसे मैं फार्म नहीं कह सकता उसको, एक तरह से फैक्ट्री होगी क्योंकि वहाँ पे हमें हर तरह का वूल मिलने वाला है, समझ रहे हो?
जो मर्जी फूल चाहिए वो मिल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी भाग के चलता हूँ, रात हो रही है यहाँ पे, और बेड भी कैसल के अंदर नहीं लगे पड़े हैं, वो भी उधर है भाई। तो अन्य किंगडम की एक और नई सुबह, एंड अभी तक तो हम हीरो ऑफ द विलेज ही बने हुए हैं। एंड आज भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज हमारा फार्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अभी सोल सैंड और वो जो है अभी देते हैं, सोल सैंड और कैल्प जो देते इसको, ये ले 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 कैल्प और सोल सैंड भी, ये रहा तीन। ठीक है, तो गाइस इसने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया, ये देखो शीशे से पानी डाल के और उधर होपर लगा रखा है। एंड अभी क्या, अच्छा इधर से लिफ्ट बनेगा ये काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा उसमें। तो चलो गाइस यहाँ पे कनेक्शन जो आपने देखा कि उसने लिफ्ट टाइप वो भी बना दिया, एंड अभी इसको ट्राई करते हैं। तो चल अभी तो घुस जाए इसके अंदर, चल इधर मैं थोड़ी जाऊंगा, इधर ऊपर आओ। तू ही तो बेड है, चल हाँ घुस जाए इसमें। जैसे इसके हेल्प को भूल मान लो। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फूल है अपना, गया तो है वो, थोड़ा वेट कर। अच्छा मतलब कुछ और चीज ड्रॉप करेगा तभी जाता है, मतलब जैसे तूने डाली अब इसके बाहर डालेगा तभी जाएगा वो। मैं उधर देखता हूँ जरा, ये वर्क कर रहा है उधर। हाँ गाइस अभी आइटम ऊपर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या भी दिक्कत आ गया इसमें, कुछ तो गड़बड़ कर दिया बाबू भैया। ओ भाई काफी ज्यादा देरी के बाद फाइनली सॉल्यूशन मिल चुका है। तो एक दिक्कत हो गई है, जो यहाँ पे जो अपना माइन कार्ट यहाँ पे लगाया था तो इसने डायरेक्ट ही लगा दिया, तो इधर जो है वो हमें रेल भी लगाना पड़ेगा बीच में, तभी जाके उसके ऊपर माइन कार्ट लगेगा, देन उसके बाद ये वर्क करने वाला है अच्छे से। तो चलो पहले उसको फिक्स कर लेते हैं। ओके तो हमने रेल के ऊपर जो अब अपना माइन कार्ट लगा दिया, बस लास्ट रह रहा है, जल्दी कर जल्दी, एक ही रह गया इधर, मैं तब तक ये हटाता हूँ यहाँ से। एंड अभी आई थिंक ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और इसको ढूंढने में, मतलब गलती ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि क्या गलती है भाई, सही बता रहा हूँ। लेट्स ट्राई। चल अभी ट्राई करते हैं, अब तो होपफुली वर्क करना चाहिए। आया आ गया। देखा तूने? हाँ। हाँ यहाँ पे आ चुका है गाइस, यस ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें बस यहाँ पे भेड़े लेके आनी है और उनको इधर गिराना है नीचे। तो चलो यहाँ पे भेड़े लेके आते हैं अब, चल आ आ जा गया। जा। रुको, तुम बेड़े ले आओ। अब आ जा। पहले मैं सो रहा हूँ यार यहाँ पे, पहले तो बहुत ज़्यादा ज़ोंबी है बाहर, मर जाऊँगा ऐसे। एंड अभी मैं यहाँ से चलता हूँ भेड़े लाने के लिए, तो सबसे पहले लेड लेके आता हूँ यहाँ का, ये बेसमेंट में, वो कह रहा है ढूंढते बेसमेंट में लेड पहले। हाँ मिल गया लेड, मिल गया मुझे। अभी चलते हैं भेड़े लाने, एक एक करके सारे भेड़े लेके आते हैं, और अब हमारा फार्म जो है वो अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। हमारे पास होने वाला है बहुत कलर का वूल, लेट्स गो भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, जा 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 जा। किधर रखनी है बेड बता, लगा इधर प्लेटफॉर्म बना इसको आने के लिए। आ जा इधर इधर, जा ऊपर चढ़ के धक्का दे उसको। अरे यार इधर जा जा जा, चढ़ जा चढ़ जा इधर चढ़, मार धक्का भाई यार, ये बहुत पंगा करने वाली है यहाँ पे। हाँ मार 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 धक्का, हाँ गई भाई। अब सबसे टफ काम है इन भेड़ों को यहाँ से पकड़ना, ये पकड़े ही नहीं जाते। आ जा 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 जा, पकड़। ओके भाई तो फाइनली लास्ट भेड़ हमें लेके जानी है, और सारे भेड़े हो गए कंप्लीट। जा 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 जा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या जा भटके भटके भटके, किधर गया ये रहा भूल वाला, घर में डाल दे जल्दी से। आ जा चलो जी फाइनली लास्ट वाली भी चली, और ये कलर दे जल्दी दे उसको कलर। ओके ओके गाइस तो अभी सारी भेड़े जो है वो हमने फार्म के अंदर रख दिया, मतलब जो जिस कलर का ग्लास है उसके अंदर वैसी भेड़ जो है वो वूल देने वाली है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे कोई ना कोई भेड़ तो हो गए, अरे सारी भेड़े गंजी हो गई हैं, कोई भी भेड़ यहाँ पे नहीं है वूल के साथ में। बट यहाँ पे हमने क्या करा है आपको पता ही है, सिस्टम सारा सेट कर दिया यहाँ पे, अब हमारी सारी वूल हमें मिलने वाली है। किधर कोई वूल, हाँ ये रही, सबसे नीचे नीचे आ आ गई, रही नीचे आ थी। गई गाइस, ये आ गई सबसे नीचे आ गई वूल, ये देखो यहाँ पे पर्पल वूल, मतलब हर तरह का वूल जो है वो हमारे पास अब होने वाला है, ये देख सकते हो अब हर तरह का वूल अब हमारे पास अवेलेबल होने वाला है। अब मैं क्या कर, अब क्या करने वाले हैं इसका, हम थोड़ा सा जो है वो अब डिजाइन करने वाले हैं बाहर से, जो कि मैंने कुछ सोचा है मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारा काम क्या रहेगा, नीचे जाके जो हमारी बेसमेंट है
मतलब जहाँ पे मतलब हमें कल को कुछ चेंजेस करने हो या फिर कोई गड़बड़ आ गया हो तो उसको मतलब ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हमें रास्ता बनाना पड़ेगा पीछे से, तो वो हम यहाँ से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम, हमें यहाँ पे टॉर्चेस लगानी है ताकि मोब स्पॉन ना हो जाए, और अगर मोब स्पॉन हो गए तो तुम्हें पता ही है फिर। और एक तो इन भेड़ों ने यार जान खा रखी है भाई, पता नहीं क्या मैं कर रहे जा रही है तब से। इधर टॉर्चेस लगी हैं, उस तरफ थोड़ी लगाते हैं। ओके तो ये लगा दिया हमने हर तरफ टॉर्चेस, अब क्या करने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाएंगे यहाँ से मतलब इधर से उधर तक जाने के लिए। तो चलो अब सीढ़ियाँ बना लेते हैं या फिर लैडर लगाएगा इस बताओ। रिपेयरिंग रूम में लैडर आई थिंक मस्त लगेगा, मैं सोच रहा हूँ लैडर ही लगाने वाला हूँ मैं। ओके तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लैडर जो वो बना लिया है, अभी मैं नीचे चलता हूँ वहाँ पे लैडर लगाना शुरू करूँगा। मैंने भी सामान ले लिया बनाने के लिए, डिजाइन विजाइन मारने के लिए। हाँ डिज़ाइन, रुक जा मैं बताऊँगा कैसा डिज़ाइन बनाना है भाई, कैसा बनाना है रुको रुको मैं अभी बताता हूँ। ओके ओके पीछे? ये लग गई हमारी लैडर नीचे जाने के लिए, एंड अब इसको बंद करने वाले हैं, और नहीं सॉरी ट्रैप डोर लगा दो। ट्रैप डोर लगाएंगे। ये लग गया हमारा ट्रैप डोर, और नीचे आने के लिए पूरा मतलब फील लेने वाले हैं, मतलब जैसे बेसमेंट में जाते हैं ना ट्रैप डोर लगे होते हैं वहाँ पे मतलब नीचे जाने के लिए, वैसा वाला फील लेने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारा रिपेयरिंग रूम है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है कहीं फार्म में। एंड अभी काम हमारा मेन है ऊपर, हमें अच्छे से डिज़ाइन करना है उसको, तो चलो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो पहले वो करेंगे जल्दी जल्दी से। ओए आ जा ऊपर, हमें बता रहा हूँ तुझे क्या करना है, आ जा क्या करना है? आ जा आ जा, मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। मैं तो सोऊंगा आराम से। हाँ हाँ तुझे सुलाता हूँ मैं, तू आ तो जा। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक शीप का जैसे मुंह होता है ना उस तरह का मुंह बनाने वाले हैं पूरा, मतलब जो हमारा जो वुल्फ फार्म रहेगा ना वो पूरा मतलब शीप की तरह दिखने वाला होगा, जैसा उसका फेस होता है ना वैसा पूरा व्हाइट कलर का, एंड देन उसकी आंखें वगैरह बना के पूरी तरफ सेम टू सेम वैसा बनाने वाला है। तो चलो सबसे पहले काम शुरू करते हैं, जब बन जाएगा प्रॉपर तरीके से तब आपको मस्त दिखने वाला है। तो चलो काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें वुल चाहिए रहेगा बहुत सारा, तो वुल कलेक्ट किया यहाँ से हाँ मैंने ले लिया क्योंकि सारा। यहाँ पे मुझे व्हाइट वुल दिख नहीं रहा है। तेरा ठीक किधर है, ले लिया अपने पास? ला फिर दे, करते हैं डिजाइनिंग शुरू करते हैं। रुक मैं इधर सामान रखता हूँ थोड़ा, फालतू का सामान भरा पड़ा है, पहले ये नीचे इधर ड्रॉप कर देता हूँ। ला 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 वुल कुट्टी दे, अच्छा उधर दे दिया, चल फिर काम कुट्टी चालू कर। चलो ये जो हाइट है ना हमारा जहाँ पे हमारी चेस्ट वगैरह रखे इससे ऊपर के लिए, इससे ऊपर तक हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा बहुत सारा वुल लगने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फार्म है उसमें बहुत सारा अनलिमिटेड वूल जो है वो बनता रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलो इधर तो गाइस अभी प्लानिंग हो चुकी है ऐसे कि इस तरफ हमारा शिप का जो है वो फेस बनने वाला है, एंड जो हमने स्क्वायर एक बनाया है वैसे स्क्वायर नहीं है प्रॉपर, बट जैसे स्क्वायर के शेप में हमने बना लिया इसके अंदर ही हम एक शिप का फेस बनाने वाले हैं। तो चलो काम को अभी शुरू करते हैं, तो चलते हैं ऊपर। तो सबसे पहले हमें आई थिंक साइड में व्हाइट लगाना है, देन उसके बाद ब्लैक व्हाइट एंड उसके बाद मतलब स्किन कलर, मतलब बहुत काम रहेगा। तो चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे हमारी जो डिजाइन है वो हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हो। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसा लग रहा है, इसमें लिटरली बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग गया। एंड ऊपर देख लो भाई ये मकड़ी को देख लो, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत से हमने ये सब बनाया, और इसके तो मजे हैं मतलब जब मर्जी चलो वहां पे पहुंच जाती है। और यहाँ से हम सीधा एंटर हो सकते हैं अपने 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 वही, अभी तो रास्ता नहीं बनाया, क्या कर रहा है भाई, बंद कर रखा है अभी रास्ता, बंद है गाइस यहाँ पे जाना भी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा। हाँ तुम्हारे लिए एंट्री नहीं है, हाँ 2000 रुपए। ठीक है भाई मुझे लग गया बता एंट्री नहीं है। एंड बस अभी उसके बाद गाइस अब आती है इसकी मेन टर्न, जो हमारा मेन काम है जो कि है इसका नाम लिखना, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका नाम क्या होने वाला है। देखो वो जा ही रहा है ऊपर, अभी देखो क्या नाम पढ़ने वाला है, आप लोग गैस करो तब तक क्या नाम हो सकता है। चलो भाई सभी को अलग अलग ब्लॉक में लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे दो वर्ड आ चुके हैं हमारे, एंड उसका अगला वर्ड आने वाला है SH। ओके 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 बस भाई अभी बस लास्ट वर्ड रह गए अब लगाने के लिए, जो कि मैं जल्दी जल्दी लगाने वाला हूँ। तब तक आप लोग गैस करो कि हमने क्या नाम रखा है अपने फार्म का। ये हो गया,
और ये भी हो गया, बस हमें इसको हटाना है कैशियर। तो चलो गाइस आर यू रेडी, चलो फिर 3 2 1 टडा। ये है गाइस हमारा शिपू फार्म जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई देखने से। हमने इसका फेस बना दिया यहाँ पे अपनी भेड़ का और उसका नाम भी हमने रखा है शिपू। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर छत डालने वाले हैं बिकॉज अभी छत का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, 2 से 3 घंटे इस वीडियो को बनाने में लग चुके हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।